चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। होली के मौके पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर पवन सिंह की क्रैक फाइटर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और इसकी तबाही अभी भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर जारी है। जी आपको बता दें कि मंगलवार को भी क्रैक फाइटर को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। करीब 70% से ज्यादा सिनेमाघरों में क्रैक फाइटर को मंगलवार को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ऐसे में सभी भोजपुरिया दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने अब तक मंगलवार तक कितना कलेक्शन किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म ने मंगलवार को करीब 7 से 9 लाख रुपए का कारोबार किया है। हालांकि आपको बता दें कि क्रैक फाइटर के फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है कि फिल्म ने अब तक कितना का बिजनेस किया है, लेकिन जिस तरीके से सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है उससे मंगलवार तक का कलेक्शन करीब 55 से 60 लाख रुपए का माना जा रहा है। आपको बता दें कि क्रैक फाइटर में जहां पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है, खास करके साउथ और बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं जो पवन सिंह के साथ जोरदार एक्शन और संवाद के साथ भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। और खास करके 3 साल के बाद एक बार फिर से भोजपुरी की लुलिया गर्ल निधि झा के साथ पवन सिंह का जोरदार रोमांस भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह की धमाकेदार फिल्म क्रैक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म क्रैक फाइटर जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का क्रैक फाइटर कैसा लगा।